वेलकम बैक फ्रेंड, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बायोलॉजी पार्ट 5, जीव विज्ञान भाग 5। इसमें आज हम कवर करेंगे तंत्रिका तंत्र, कैसे रुकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। इस टॉपिक में हम केवल वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये बुक है घटना चक्र बुक, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी जीएस के क्वेश्चंस का एक संकलन है। इस बुक में सभी के सभी, चाहे आपका एसएससी का कोई एमटीएस का एग्जाम हो, सीजर का एग्जाम हो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, या फिर आपका कोई अदर एग्जाम क्यों ना हो, जैसे सीपीओ, एसआई या फिर अदर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसके आपको चार विकल्प मिलेंगे, चार ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक राइट आंसर उसमें से चूज करना है। सेम जैसे एग्जाम में दिया होता है वैसे ये क्वेश्चंस आपके सामने आज प्रेजेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और आपके कोई भी फ्रेंड अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। देखिए, ये जो बुक है जो घटना चक्र, इससे संबंधित हमने काफी सारे वीडियो पब्लिश करे हैं, और सभी वीडियो आपको मिलेंगे इस चैनल की प्लेलिस्ट है, घटना चक्र बुक प्लेलिस्ट, वहां से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। उन सभी वीडियो को देखिए और इन सभी क्वेश्चंस का लाभ उठाइए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? जगत का जो है 5 भागों में वर्गीकरण किसने करा था? तो ये करा था आपका व्हिटेकर ने। सबसे पहला भाग था आपका मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्का, थर्ड प्लांटी, फोर्थ कवक और 5 था आपका एनिमेलिया। और ये इन्होंने जीवधारियों को जो थे, जो जीव जगत थे, उन्होंने क्या करा, इसको 5 भागों में डिवाइड करा। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया है। 2014 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ऐसा नहीं कि अब 17 चल रहा है तो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी केवल कॉपी पेस्ट करता है, 90% क्वेश्चन जो भी जीएस के आते हैं वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही वो कॉपी करेगा और नए एग्जाम के लिए वो पेस्ट कर देगा। तो कॉपी पेस्ट फॉर्मूला 90% चलता है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस बुक पर पूरा फोकस करिए, इस बुक को पूरी ईमानदारी से पढ़िए या फिर इस वीडियो को वॉच करिए। इसके संबंधित जो भी वीडियो बन रखे हैं चैनल में वो सभी आप अच्छे से घोट डालिए, एक एक आंसर को अपने माइंड में दर्ज कर लीजिए। तब देखिएगा जब आपके सामने एग्जाम आएगा आपका कॉन्फिडेंस कितना प्यारा बना होगा और आप कितने आसानी से ये सभी जीके करके आएंगे। लोग कहते हैं कि जीएस का पोर्शन बहुत वाइड है, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, ये भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, कितना पढ़ें भाई, तो ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। बट देखिए, पढ़ाई जो होती है क्वांटिटी से कभी नहीं होती है, पढ़ाई होती है क्वालिटी से। अगर आपके पास सही डायरेक्शन है तो आपको पता होगा कि आपको स्टडी कैसे करनी है। तो सबसे पहले बस केवल मैं यही कहना चाहूंगा, टाइम कम है तो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर फोकस करिए। अगर आपके पास टाइम पूरा एक साल पड़ा हुआ है तो आप पहले अपना बेस स्ट्रांग करिए। बेस स्ट्रांग के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी लुसेंट बुक, देखा होगा आपने ब्लू कलर की लुसेंट बुक आती है, तो उससे संबंधित इस चैनल पे वीडियो भी है, ऑडियो भी है, आप चाहे तो ऑडियो वीडियो दोनों देख सकते हैं। अदरवाइज बुक को मार्केट से परचेज कर लीजिए, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं, जहां से भी आपको परचेस करना है वहां से करिए, जैसा भी करना करिए, लेकिन टारगेट ये है कि स्टडी करिए। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टडी अब हम करते हैं कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, उसका नाम क्या है। सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है उसका नाम है एसीटेबुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है, ये है आपके नीली व्हेल, जो जिसकी लंबाई क्या होती है 24 फीट और वजन होता है 4 टन। और व्हेल मछली की जो लंबाई होती है वो होती है कम से कम 100 फीट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से विशद मद कौन सी है, यह है मत्स्य मतलब मछली, हेल, सिसुंक एवं चमगादड़ स्तनधारी वर्ग है, जबकि मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग है, एक अलग कैटेगरी होती है, एक विशालतम स्तनधारी है, कौन, मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है, वो है व्हेल। और मछली का एयर ब्लैडर मतलब वायु आशय किस रूप में कार्य करता है, तो यह है सहायक
श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 की निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? तो यह अफ्रीकी हाथी। वन्य प्राणी कौन सा है? वो कह रहा है स्थलचर में सबसे बड़ा, तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीकी हाथी। देखिए आप ना पढ़ते समय प्लीज एक काम करना कि जो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं चारों को मत पढ़ना, ठीक है? अगर आप वीडियो को पॉज कर खुद पढ़ रहे हैं तो चारों को मत पढ़ना, केवल आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और जो ग्रीन से मैंने इसको बॉर्डर बना रखा केवल वही आंसर पे फोकस करना है। ज्यादा देखेंगे ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, डायरेक्ट फोकस करिए राइट आंसर पर और राइट आंसर को याद करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑर्कियोपटेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण है, नखरित पंख, जबड़े पर दांत और पूंछ। क्वेश्चन नंबर 9, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? यह है आंख। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए आंखों का प्रयोग नहीं किया जाता। ए कैसे रुकी में नहीं होता क्या? नोटो कार्ड, इसको बोलते हैं पृष्ठ रज्जु। लंग फिश किसके बीच का लिंक होती है, मतलब किस किस को आपस में जोड़ती है, किस किस के बीच में लिंक होती है, ये होती है लंग फिश। इसका राइट आंसर होगा, देखिए डाउटफुल ये आंसर रहा था, डाउटफुल मतलब कि ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टेनोग्राफर एग्जाम में, ठीक है? लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जहां पर एसएससी डिपार्टमेंट को खुद कंफ्यूजन होती है कि यार कि कौन सा राइट आंसर हो सकता था, ठीक है? जब बच्चे क्लेम करते हैं आकर के आरटीआई वगैरह लगाते हैं, लेटर लिखते हैं डिपार्टमेंट को, लिखते हैं कि आपका ये आंसर गलत था, ये क्वेश्चन आपका गलत था, आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा। तो जब ऐसा होता है तो इस केस में क्या होता है कि अगर डिक्लेयर कर दिया एसएससी डिपार्टमेंट ने कि हाँ यार ये क्वेश्चन गलत था, तो सभी को एक नंबर मिलता है उसका, सभी को उसका एक नंबर मिलेगा। लेकिन लेकिन किंतु परंतु एक कंडीशन है, वो आप याद रखिएगा। एक कंडीशन ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा हो तो ही उसको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर जैसे कि आपने 11 को 11 ऑप्शन था, आपको एक भी ऑप्शन नहीं पता था, लेकिन फिर भी आपने लास्ट में तुक्का मार ही दिया, चल यार बी पे टिक मार के आता हूँ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? बी को सिलेक्ट करा माउस से, आगे बढ़ गए, ठीक। अब उसके बाद क्या हो गया, आपने बिल्कुल 100% तुक्का मारा था, लेकिन ये तुक्का आपका काम आ गया, तब भी आपको एक नंबर मिलेगा। शर्त ये है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अगर आप 11 क्वेश्चन किसी ने भी कोई ऑप्शन नहीं लगाया है तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? ये कुछ बेसिक चीजें होती है, आपको पता होनी चाहिए, शायद आपको पता भी होगा, ऐसी बात नहीं आपको नहीं पता होगा, सब्सक्राइबर बहुत इंटेलिजेंट है इस चैनल पे। देखिए बात करते हैं कि लंग फिश मत्स्य एवं उभयचरों के बीच में एक कड़ी का काम करता है, एक लिंक का काम करता है। तो लंग फिश क्या होता है, मत्स्य और उभयचर के बीच में, तो ये आप राइट रखिएगा आंसर याद इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है जो अभी भी क्या है जीवित पक्षी है, तो उसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। देखिए सबसे बड़े पक्षी की बात हमने यहाँ पे करी और हम बात करते हैं सबसे क्या छोटा पक्षी कौन सा है, इसको बोलते हैं गुंजन पक्षी, इसको बोलते हैं गुंजन पक्षी, मतलब ये घू घू ऐसे करता है, ठीक है, आवाज से करता है वैसी, इसको बोलते हैं हार्मिंग बर्ड। आपको गुंजन पक्षी नहीं देगा, आपको देगा हार्मिंग बर्ड ऑप्शन में, तब भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना है अपने आपको, ठीक है, याद रखना। डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चलो इसके एक काम करते हैं क्योंकि काफी अच्छा पक्षी है ये। सबसे छोटा पक्षी जो है गुंजन पक्षी, इसको बोलते हैं हार्मिंग बर्ड। वर्तमान में 5 सेंटीमीटर, मात्र 5 सेंटीमीटर का हाइट वो होती है, मतलब लंबाई होती है, हाइट होती है मात्र कितनी 5 सेंटीमीटर। आकार की बी हार्मिंग बर्ड, संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है जो क्यूबा में पाई जाती है। देखो बी हार्मिंग बर्ड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका क्यूबा में। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकता है, मतलब आगे की तरफ भी वो बढ़ सकता है और पीछे की तरफ भी, बी हार्मिंग बर्ड। लेकिन गुंजन पक्षी जो है केवल वन साइड ही उड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर भी उड़ता है, तो उसका राइट आंसर है गुंजन पक्षी। और खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किसके समृद्ध व्यवहार था, ये था सदस्यों को चेतावनी देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, आर्कियोपटेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण है क्या, नखरित पंख, जबड़े पर दांत, पूंछ। ये हमने पढ़ लिया है, अब हम बढ़ते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषताएं होती हैं, इनके क्या होते हैं
जाल युक्त पैर होते हैं, पैर में क्या होता है एक टाइप का जाल लगा होता है, जाल टाइप की, एक टाइप की जाली होती है, ये आप याद रखिएगा। तो बत्तख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों में परागुलिया आपस में जाल द्वारा जुड़े रहते हैं, जाल युक्त पैर तैरने में इन्हें काफी हेल्प करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है, ये करता है पक्षी। संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल कौन सी है, उसका नाम है होलस्टीन फ्रीजियन। क्वेश्चन नंबर 19। शब्दिनी किसमें वाक यंत्र है, यह है पक्षी का। कॉर्ड निम्न में से किसकी किस्म है, यह है मछली की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कहता है कि निम्न में से किसमें वाताशय नहीं होता है। अब ये वाताशय क्या होता है, तो ये जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं खासतौर पर पता होगा, तो उसका राइट आंसर है उपास्थिजम मछली। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है, किसके स्तन नहीं होते हैं। गाय, चमगादड़, चूहा, इन सबके होते हैं बट सार के नहीं होते हैं, ठीक है। उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दो जीव। सार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है, ये पाई जाती है विषमपाली पूंछ। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु परास्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, इसको बोलते हैं चमगादड़। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, परास्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा चमगादड़। चमगादड़ कार्ड्रेटा संघ का प्राणी होता है, इसमें परास्रव्य ध्वनि को सुनने की क्षमता भी होती है। क्वेश्चन नंबर 26। पक्षियों में प्राय एक ही होता है क्या फेफड़ा, केवल इनके पास क्या होता है एक ही फेफड़ा होता है। और प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है, ये होती है लैटिन। और हरित ग्रंथियां किससे संबंध रखती हैं, ये रखती हैं उत्सर्जन से। और डायनासोर थे क्या सरीसृप, जो अब क्या हो चुके हैं पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। डायनासोर एक्चुअली क्या थे, एक सरीसृप थे जो अब क्या हो गए पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं, लगभग कितने वर्षों पहले डायनासोर जीवित थे और अब कितने वर्ष हो गए इनको विलुप्त हुए, गायब हुए, डिस्ट्रॉय हुए, लगभग 65 मिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31 है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है क्या, गिबन। क्वेश्चन नंबर 32। अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। निम्न में से कौन सी नियततापी प्राणी है, यह है आपका हेल। क्वेश्चन नंबर 34। कीटक किसमें नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग। और विलोपन की कगार पर, मतलब जो खत्म होने की कगार पर है, सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष पर भक्षी कौन है, इसको बोलते हैं ढोल। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है, इसको बोलते हैं साइबेरियाई सारस। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है, इसको बोलते हैं सफेद पेट वाले जो बगुले हैं, इनका अस्तित्व पूरी तरह से क्या हो चुका है, अब खतरे में पड़ चुका है। नाभिकीय विकिरण, विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के कौन से पार्ट पर पड़ता है, कौन से अंग पर पड़ता है, सबसे पहले प्रभावित होंगी आंखें। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट अब चश्मा पहनते हैं, मैक्सिमम लोगों को बहुत जल्दी आंखें खराब हो जाती हैं, जलन स्टार्ट हो गई, मोतियाबिंद स्टार्ट हो गया, कम दिखाई देता है किसी को दूर का, किसी को पास का, या फिर कुछ लोगों को दोनों का। तो इसका रीजन क्या होता है, इसका मेन रीजन यही होता है कि जो नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव जो है पड़ना स्टार्ट हो गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विभर रहित है, यह है आपका अजगर। अजगर लगभग 6 मीटर लंबा और मोटा होता है, भारी भरकम तथा विषहीन सांप होता है। यह भेड़, बकरी, गाय, हिरण और समूचा निगल जाता है, इसमें पश्चपादों के अवशेष पाए जाते हैं। इन जानवरों में से किसमें जबड़े नहीं होते हैं, किसके पास कोई जबड़ा नहीं होता, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम है मिक्साइन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं, बर्रे। और क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से किस उभयचर की जीवा नहीं होती है, जीव किसमें नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इक्थियोफिस, इक्थियोफिस। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध
मोलस्का से है, तो इसका राइट आंसर है हेलियोटिस, हेलियोटिस। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी या ऑरिंथोलॉजी। आप याद रखिएगा ऑरिंथोलॉजी पक्षियों के विज्ञान का अध्ययन होता है, और लिम्नोलॉजी, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस करा था, लिम्नोलॉजी जो होता है तालाब पोखरों एवं झीलों आदि के जीवों का अध्ययन करते हैं। और अगला है आपका हर्पीटोलॉजी, मतलब उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है इसमें। और अगला है आपका मेलाकोलॉजी, मोलस्कों का अध्ययन इसमें करा जाता है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं ब्रीडिंग करना। ब्रीडिंग मतलब करके उसको थोड़ा सा उसको उड़ने की सीमा उसकी कम कर देते हैं, तो उसको जो ये प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ब्रीडिंग। और अगला जो है आपका क्वेश्चन वो है आपका पक्षी और चमगादड़, अच्छा उड़ते हैं चमगादड़ पक्षी से भिन्न है किस प्रकार, डायफ्राम के कारण। क्वेश्चन नंबर 47 है, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। क्वेश्चन नंबर 48, सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं किंतु निम्न में से कौन सा जीव अपना स्थान नहीं बदलता, इसको बोलते हैं स्पंज। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है, यह आपका अश्व मीन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, यह है डॉगफिश। डॉगफिश एक मछली है, देखिए इससे संबंधित ये आप फैक्ट प्लीज जरूर पढ़ेंगे, कौन से फैक्ट जो नीचे लिखे गए हैं। देखिए स्टारफिश को बोलते हैं, ठीक है, स्टारफिश एक है इकाइनोड्रम, डॉगफिश एक मछली है, और कटलफिश एक मोलास्क है, और सिल्वर फिश जो होती है हम बोलते हैं कीट को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है क्या, वातक, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। 53 क्वेश्चन नंबर, कैसे रोगियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है, क्या अरक्तता। कुछ हिंदी के वर्ड काफी टिपिकल होते हैं, बोलने में नहीं आते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत परेशानी मुझको भी हो रही है, आई होप आपको भी हो रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर ऐसी परेशानी हो रही है तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद भी पढ़ लीजिए ऐसे वर्डों को, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, ये है कि ऐसे अकशेरुकी को क्या कहते हैं जो उभयलिंगी नहीं होता है, इसको बोलते हैं कॉकरोच। अब देखिए, अब हम बात करते हैं तथ्यात्मक प्रस्तुति, मतलब कि एक लाइन में आपका पूरा जीके का आंसर दिया होगा, और ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं, और इनको भी हमारा देखना पक्का बनता है, हम इसको भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम एक जंगल के समान है, अगर किसी शिकार अगर किसी खरगोश का करना हो तो हथियार कम से कम शेर के लेके चलो, ना जाने कब किससे मुलाकात हो जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए आप चाहे MTS की तैयारी कर रहे हो या फिर तैयारी कर रहे हो सीजल की, तो कम से कम अपनी तैयारी को काफी स्ट्रांग रखें। बढ़ते हैं फिलहाल पहले पॉइंट की ओर कि सार्क, सांप, चमगादड़ तथा छिपकली में से चमगादड़ एक नियततापी प्राणी है, कबूतर, कछुआ, लोमड़ी तथा बकरी में से कछुआ अनियततापी प्राणी है, सार्क, हेल, उड़नमीन, आश्वमीन में से हेल सर्वाधिक विकसित वृद्धि वाला जलीय प्राणी है, यह आप याद रखिएगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम बात करेंगे लास्ट क्या होगा हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान को बल्कि जीव समुदाय में उसकी प्रकारात्मक भूमिका का भी वर्णित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा इकोसिस्टम। याद रखिएगा इकोसिस्टम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र के सभी जैविक कारण शामिल हैं जो पर्यावरण के सभी अजैव कारकों के साथ काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए अगेन डाउट वाला क्वेश्चन आ गया, और ऐसा होता है, आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि SSC कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन वो दोनों के दोनों ऑप्शन ऐसे देता है कि जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो फाइनली एग्जाम होने के बाद में वो एक क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है SSC डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसका एक नंबर सबको मिलता है।
जी, जैसे मैंने आपको भी बताया था। अब देखिए, इसमें बात हम करते हैं कि प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, पारिस्थितिकी भी राइट आंसर है इसका, और जैव पारिस्थितिकी, दोनों ही इसका राइट आंसर रहेगा। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल में इसके कि प्राणी विहीन की जिस शाखा में हम पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वह इथोलॉजी कहलाता है। यह पारिस्थितिकी मनोविज्ञान एवं शरीर रचना विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन सा है, यह उत्पादक। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला की कोई एक स्टेज होती है, वो स्टेज आप नोट करिए कि पहले जो होती है खाद्य श्रृंखला का जो क्रम होता है कुछ इस प्रकार से होता है, उत्पादक मतलब साग भक्षी मांस भक्षी, प्रथम जो उपभोक्ता होगा वो होगा उत्पादक, द्वितीय आपका होगा आपका साग भक्षी। देखिए, उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं घास, घास सबसे नीचे की स्टेज में आएगी, घास को कौन खाएगा, हिरण, और हिरण के बाद हिरण को कौन खाएगा, शेर। तो घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प और बाज, ये जो है आपका निचला स्तर की कैटेगरी आती है, और इस तरह से आपका ये सही जो है आपका क्रम बनता है। इसमें फूड चेन इसको बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है, ये होता है घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प, बाज। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यह आपका अपघटक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाले एक उपयुक्त आहार श्रृंखला निम्न में से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा पादप खरगोश बाघ, पादप खरगोश और बाघ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, निम्न में से कौन सी एक संकटापन जाति है, इसको बोलते हैं गंग डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता, यह है आपका प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 9 की, संकट ग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर होगा लाल, डेटा बुक में क्या होता है, संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रीन हाउस गैसों क्या या यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किसमें होती है, तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु में। निम्न 3 आर में से किसको को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कम करें, पुनः प्रयोग करें और पुनः चक्रित करें, उसको बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। आप देखते हैं अपना कोई भी खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, कोई अगर आप बोतल पैक कोई जूस वगैरह पीते हैं तो उसमें लिखा होता है, ये सिंबल बना होता है, 3 तीर होते हैं आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, 3 एरो टाइप के होते हैं और सर्कल से बने होते हैं, तो शायद आपको पता होगा, अच्छी बात है पता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, की पर्यावरणीय जागरूकता में के अंग्रेजी अक्षर पी से प्रारंभ होते हुए प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं, पॉपुलेशंस, पॉवर्टी एंड पॉल्यूशन। याद रखिएगा 3 पी अक्षर कौन से हैं, इंपॉर्टेंट जो है पर्यावरण जागरूकता से संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं, यह है आपका पॉपुलेशंस, पॉवर्टी एंड पॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ऊंट में जीनोमिक अध्ययन हाल ही में कहां के वैज्ञानिकों ने पूरे किए थे, ये करे थे चीन के वैज्ञानिक ने, कब करे थे, 2012 में। और जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है, यह है आपका विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखिए हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक या इसको बोलते हैं फिक्सेटर कौन है, तो इसका राइट आंसर है हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंत्यक्रिया से संबंधित है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑटेकोलॉजी, अब हिंदी में बोलते हैं इसको स्व पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 17, एक वाणक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है, इसको बोलते हैं हम लोग कैरोटीनाइड। क्वेश्चन नंबर 18, जापान में पाया गया यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है, जो यूसो रोग होता है प्रदूषण होता है जापान में, ठीक है, और ये यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है, ये है आपका पीसीबी।
देखिए यूसो रोग के बारे में हम पढ़ते हैं, देखिए बहुत फेमस ये रोग था। यूसो रोग सबसे पहले जापान में 1968 में देखा गया था, जो पीसीबी मतलब पॉली क्लोरीनेटेड बाईफेनिकल के कारण होता है। यह राइस ब्रान तेल मतलब राइस ब्रान ऑयल के उपभोग से जापान के उत्तरी क्यूश द्वीप में फैला और इसी राइस ब्रान ऑयल के पीसीबी से दूषित होने के कारण यह रोग क्या हुआ, यह डिजीज सामने आई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कि सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे अधिक बात कर रहा है, ये याद रखिएगा, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो वो है महासागर। और ये क्वेश्चंस केवल एक बार नहीं सीजीएल में बल्कि कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आपने अब तक नोटबुक नहीं उठाई है तो प्लीज मैं कहना चाहूंगा नोटबुक उठाएं और ये सभी क्वेश्चंस दोबारा से इस वीडियो को वॉच करें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह दोबारा चाह रहा हूँ बच्चों, प्लीज स्टडी सीरियस तरीके से कर लो। ऐसे स्टडी नहीं होगी कि बस वीडियो को चला दिया, भगवद गीता के टाइप में इसको सुन लिया और बंद कर दिया। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है इस साल भी, तो इसलिए प्लीज समय पे अपनी आंखें खोल लो। क्वेश्चन नंबर 20 हम पढ़ते हैं कि किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है, तो वो होता है घरेलू मल जल के कारण। क्वेश्चन नंबर 21, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर क्या है, 4 से 6। क्वेश्चन नंबर 22, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीव साला द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, किस रीजन से स्टोन कैंसर होता है, आप याद रखिएगा क्या रीजन होता है जिससे स्टोन कैंसर बनता है, तो ये होती है अम्लीय वर्षा। देखिए बच्चों का एग्जाम में मैक्सिमम क्या कंफ्यूजन होती है, रेडियो धर्मिता बच्चे लगा के आते हैं, बट ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल रॉन्ग बन जाएगा यहाँ से। अगर आप आंसर सी लगा के आते हैं तो आपको राइट आंसर क्या चूज करना है, ए अम्ल वर्षा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये करा जाता है गम बूसिया का। क्वेश्चन नंबर 24, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है आपका स्वय विकिरणीय चित्रण से, इसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। अब देखिए तथ्यात्मक प्रस्तुति मतलब इसमें वन लाइनर में आपका पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन होगा जबकि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि आपने पिछले काफी सारे पार्टों में ये टॉपिक देखा होगा। देखिए पहला जो पॉइंट है वो है नील हरित शैवाल एक प्रकार के मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीव हैं। पृथ्वी पर जीवाणु और कवक अपमार्जक हैं। पॉलीथीन बैग, ऊन, प्लास्टिक, नायलॉन में से केवल ऊन ही एक जैव निम्नीकरणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे होते हैं क्योंकि जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणुओं द्वारा होता है। पारिस्थितिकी प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है, ये आप याद रखिएगा। पारिस्थितिक प्रणाली जो होती है किस प्रकार की प्रणाली होती है, तो ये होती है जीव भू रासायनिक। बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अगर अब तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं बायोलॉजी के, हिस्ट्री के, तो वो भी पार्ट देखिए। बायोलॉजी में हमने अब तक कवर कर चुके हैं जीव विज्ञान से संबंधित कंकाल तंत्र और उत्सर्जन, विटामिन से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था, और हमने आपको बताया था मनुष्य पाचन तंत्र के बारे में और भी बहुत कुछ। तो आप देखिए एक बार प्लेलिस्ट, आप डिसाइड करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने करना है तो आप जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे वीडियो डेली अपडेट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को शेयर प्लीज जरूर करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।